गोपिका के साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसके वजह से वो एक टर्मोइल से गुजर रही है। किससे किसकी बेटी है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे फिर उसको क्या देना है क्या नहीं। आपके साथ हालात गलत है, प्यार करने के लिए 10-12 साल पहले भी और 10-12 साल पोस्ट बाद भी। क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके की, क्या लॉयर भी है यहाँ पे, काफी हलचल हो रही है घर में, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई थिंक मैंने अभी सीन किया नहीं है वो जो जिस चीज़ की बात कर रहे हो, बिकॉज अभी इन गर्ल्स का सीन था तो वो सीन के बारे में ये विस्तार रूप से बता सकते हैं। मैडम बताइए विस्तार रूप से। वाओ, सो एक्चुअली इस सीन के जिस पहले गोपिका के साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसके वजह से वो एक टर्मोइल से गुजर रही है। सो गोपिका का ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं है जो आसपास हो रहा है उस पर, बट हैविंग सेड दैट शी इज़ ऑफकोर्स अ पार्ट ऑफ द सीन एंड जो अभी सीन में भी हो रहा है वो भी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न है शो में। घर में वकील भी आए हुए हैं, कुछ डिस्कशन भी हो रहा है कुछ पेपर्स पे लेके, उन पर क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक पूरा अनएक्सपेक्टेड टर्न है, इसके पीछे की सच्चाई गोपिका को पता करनी होगी। उस पेपर्स में क्या लिखा है वो भी गोपिका ने नहीं देखा है, अभी सिर्फ गोपिका ने सुना है। केसरी की माँ आई है, कुछ क्या क्या डिमांड कर रही है उनकी, क्या डिमांड है? वेल केसरी की माँ ने अब तक तो कुछ डिमांड नहीं किया है, वो बस ये चाह रही है कि केसरी को अपना हक मिले, अपने पिता का प्यार मिले। एक्चुअली अभी पता चल जाए कि केसरी किसकी बेटी है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे फिर उसको क्या हक देना है क्या नहीं देना। बट एज एन इमोशनल ड्रामा बहुत अच्छा है, ट्विस्ट एंड टर्न जो बात कर रहे हैं हम वो बहुत अच्छा है, एज एन ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी कुछ करने के लिए नया आएगा। सो देखते लेट्स सी कैसा होता है वो। जाए तो बहुत प्यार मिल रहा है और आप दोनों की जोड़ी को लोग बहुत ज़्यादा हमेशा से प्यार देते हुए आए हैं और इस बार भी प्यार बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, आप लोगों को किस तरीके रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते आप लोग? थैंक यू सो मच गाइज, बिकॉज आप लोगों ने दोबारा से हमें इतना प्यार दिया और हम चाहते हैं कि आप बस ऐसे ही प्यार बना के रखें, जितना प्यार आपने पहले दिया उतना ही प्यार और दें और बढ़ा के रखें और हम और अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच हमारी जोड़ी को प्यार करने के लिए 10-12 साल पहले भी और 10-12 साल पोस्ट बाद भी। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द शो, बिकॉज वी आर नियरली फिनिशिंग 8 months ऑफ द शो और ये इतना चला भी है थैंक्स टू यू नो योर लव एंड बिकॉज यू ऑल हैव लाइक द शो, सो थैंक यू वेरी मच एंड लॉट्स ऑफ लव।